को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मई 2008 की रात खौफनाक रात थी, जो नोएडा के जलवायु विहार में कहर बनकर आई थी। नोएडा के जलवायु विहार में दो हत्याएं हुई थी। ये केस भी सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जांच की और दो लोगों को सजा भी दिलवा दिया गया, पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। आरुषि हेमराज हत्याकांड से चर्चित इस मामले को अगर बेहद संक्षेप में देखें तो यह बिल्कुल सीधा और सुलझा दिखाई पड़ता है। 15 मई की रात उस घर में चार लोग मौजूद थे। अगली सुबह तक इनमें से दो लोगों की हत्या हो चुकी थी। उस रात घर में किसी बाहरी व्यक्ति के आने के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लिहाजा शक उन्हीं लोगों पर जाता है जो उस रात घर में मौजूद थे और अगली सुबह जीवित थे। सीबीआई अदालत ने भी मुख्यतः इसी संभावना को सच मानते हुए इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई थी, लेकिन इस संक्षिप्त विवरण से इतर इस मामले को यदि गहराई से देखा जाए तो यह बेहद पेचीदा और रहस्यमयी होता चला जाता है। इस मामले के बारे में यह भी कहा जाता है कि यदि इसकी शुरुआती जांच करने वाली टीम ने थोड़ी भी सावधानी से काम किया होता तो इसे बेहद आसानी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह मामला हमेशा के लिए एक अनसुलझे गुत्थी बन गया। इस मामले को समझने की शुरुआत उसी क्रम में करते हैं जिसमें यह उलझना शुरू हुआ था। राजेश और नुपुर तलवार दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं। वे नोएडा के जलवायु विहार में अपनी इकलौती बेटी आरुषि के साथ रहते थे। आरुषि 14 साल की थी और दिल्ली पब्लिक स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा थी। तीन लोगों के इस परिवार के साथ रहने वाला चौथा सदस्य हेमराज था। मूल रूप से नेपाल का रहने वाला हेमराज पिछले कई सालों से तलवार दंपत्ति के घर का कामकाज किया करता था। 15 मई 2008 तक यह हंसता खेलता छोटा सा परिवार था, लेकिन 16 मई 2008 की सुबह इस परिवार के लिए सब कुछ बदल चुका था। आरुषि की उसके ही कमरे में हत्या कर दी गई थी और हेमराज घर से गायब था। ऐसे में राजेश और नुपुर तलवार के साथ ही पुलिस और मीडिया को भी पहला शक यही हुआ कि हेमराज आरुषि की हत्या करके फरार हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो हेमराज की जानकारी देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा कर दी थी। देश की राजधानी से सटे एक इलाके में एक जवान लड़की की अपने ही घर में हत्या होना मीडिया के लिए बड़ी खबर थी। पहले ही दिन यह खबर देश भर की सुर्खियों में शामिल हो गई। यह खबर तब और बड़ी बन गई जब 17 मई की सुबह हेमराज की लाश भी घर की छत से बरामद हो गई। एक दिन पहले तक जिस व्यक्ति को आरुषि की हत्या का दोषी समझा जा रहा था, वह खुद भी आरुषि की तरह और उसके साथ ही अपनी जान गंवा चुका था। हेमराज की लाश मिलने के बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि इन दोनों हत्याओं के दोषी डॉक्टर तलवार भी हो सकते हैं। पुलिस के साथ ही मीडिया ने भी इस मामले की पड़ताल शुरू की और पुष्ट अपुष्ट जो भी जानकारी उसे मिली वह प्रकाशित कर दी गई। तलवार दंपत्ति को निर्दोष इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस मामले की जितने लोगों ने भी जांच की उन सभी ने यह माना है कि तलवार दंपत्ति को हत्या का दोषी मानने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है। इस दोहरे हत्याकांड की जांच कुल तीन अलग अलग जांच दलों ने की थी। शुरुआती जांच नोएडा पुलिस ने की, इसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया और कुछ समय बाद इस टीम को बदलकर यह जांच सीबीआई की ही एक नई टीम को सौंप दी गई थी। दिलचस्प यह भी है कि इस मामले में देश की सर्वोच्च जांच संस्था सीबीआई की दो अलग अलग टीम बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जाती दिखती है। सीबीआई की पहली टीम यह मान रही थी कि यह हत्याएं हेमराज के दोस्तों कृष्णा, राजकुमार और विजय ने की है, जबकि सीबीआई की दूसरी टीम ने माना है कि हत्याएं तलवार दंपत्ति ने की है। सीबीआई की पहली टीम को कृष्णा, राजकुमार और विजय पर इसलिए शक था क्योंकि इन लोगों ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट में ऐसी कई बातें बोली थी जिससे ये पता लगता था कि ये लोग हत्या के दोषी हैं।
दूसरी ओर डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार के नार्को और पॉलीग्राफ में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई जिससे इन लोगों के अपराध में शामिल होने की संभावना पैदा होती हो। इन टेस्टों के अलावा कृष्णा के कमरे से सीबीआई ने बैंगनी रंग का एक तकिया भी बरामद किया था जिस पर हेमराज के खून के निशान थे। यह सबूत इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ समझा जा रहा था, लेकिन जब यह मुद्दा अदालत में उठा तो नई सीबीआई टीम के मुखिया ने इसे यह कहते हुए नकार दिया कि यह तकिया असल में हेमराज के ही कमरे से मिला था और टाइपिंग की गलती के चलते इस पर यह लिख दिया गया है कि यह कृष्णा के कमरे से मिला है। इस मामले को यह तथ्य भी कुछ रहस्यमयी बना देता है कि कई निष्पक्ष गवाहों ने भी इस मामले में अपने बयान बदले हैं। आरुषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था जो बताता हो कि उस पर यौन हमला हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद भी इस तरह की कोई बात डॉक्टर दोहरे ने न तो नोएडा पुलिस को बताई थी, न सीबीआई को और न ही एम्स की उन डॉक्टरों की टीम को जिसके वे खुद भी सदस्य थे। लेकिन जब मामले की जांच नई सीबीआई टीम करने लगी जो तलवार दंपत्ति को ही दोषी मान रही थी, तब पहली बार डॉक्टर दोहरे ने कहा कि आरुषि के गुप्तांग में असामान्य रूप से फैलाव था और ऐसा भी लग रहा था कि मरने के बाद भी उसके गुप्तांग साफ किए गए हैं। डॉक्टर दोहरे का यह बयान पोस्टमार्टम के लगभग 1.5 साल बाद आया। पोस्टमार्टम करने के बाद वे कुल 5 बार अपना बयान दर्ज करा चुके थे, लेकिन ऐसी कोई भी बात उन्होंने पहले नहीं कही थी। कुछ ऐसा ही हेमराज के पोस्टमार्टम के मामले में भी हुआ जो डॉक्टर नरेश राज ने किया था। उन्होंने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ असामान्य दर्ज नहीं किया था, लेकिन न्यायालय में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हेमराज के गुप्तांग में सूजन थी जिससे ये संकेत मिलते हैं कि उसकी हत्या संभोग करते हुए या उससे ठीक पहले की गई थी। आरुषि हेमराज हत्याकांड में तलवार दंपत्ति को हुई सजा पर इसलिए भी प्रश्नचिन्ह लगता रहा क्योंकि इस मामले में कई गंभीर सवालों के जवाब न तो जांच के दौरान जांचकर्ता ढूंढ पाए और न ही न्यायालय में अभियोजन पक्ष साबित कर पाया, जैसे ये सवाल कि हेमराज की मौत कहां हुई। अभियोजन की कहानी के अनुसार हेमराज और आरुषि दोनों की हत्या आरुषि के कमरे में हुई थी, लेकिन आरुषि का कमरा जहां उसका खून बिखरा पड़ा था वहां हेमराज के खून का एक भी निशाना नहीं था। इससे यह तो साफ था कि हेमराज की हत्या कहीं और की गई थी। हेमराज का शव घर की छत से बरामद हुआ था। विशेषज्ञों ने जब इस जगह और हेमराज के शव का परीक्षण किया तो पाया कि उसके शव को किसी चादर में रखकर छत पर घसीटा गया था। इस कारण विशेषज्ञों ने माना कि हेमराज को छत पर भी नहीं मारा गया था, क्योंकि यदि उसकी हत्या छत पर ही हुई होती तो हत्या करने वालों को उसकी लाश घसीटने के लिए पहले उसे चादर में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। घर के बाकी किसी हिस्से में भी हेमराज का खून नहीं था, इसलिए यह तथ्य भी एक रहस्य ही है कि उसे कहां मारा गया। राजेश और नूपुर तलवार के कपड़े भी उनके निर्दोष होने की संभावना बताते हैं। हत्या होने से कुछ ही घंटे पहले आरुषि ने अपने कमरे से कुछ तस्वीरें ली थी। इन तस्वीरों में जो कपड़े राजेश और नूपुर तलवार पहने हुए दिख रहे थे वही कपड़े उन्होंने अगली सुबह भी पहने हुए थे। इन कपड़ों में कहीं भी हेमराज के खून के निशान नहीं थे। आरुषि का खून इनमें जरूर था, लेकिन जांचकर्ताओं ने भी यह माना है कि यह खून तब लगा होगा जब वे अपनी बेटी की लाश से लिपट कर रो रहे थे। इसके अलावा हत्या के उद्देश्य का पता न चलना, उस रात के घटनाक्रम का रहस्य ही रहना, नार्को टेस्ट में तलवार दंपत्ति का निर्दोष पाया जाना और घर से बरामद की गई किसी भी चीज से यह साबित न हो पाना कि हत्या तलवार दंपत्ति ने की है, कुछ ऐसे कारण हैं जिनके चलते सीबीआई ने स्वयं भी इस मामले को बंद करने की अपील की थी। दिलचस्प यह भी है कि जब सीबीआई ने इस मामले को बंद करने की गुहार लगाई थी तो तलवार दंपत्ति ने ही इसका यह कहते हुए विरोध किया था कि वे अपनी बेटी के हत्यारों को बचने नहीं देना चाहते, लिहाजा यह जांच जारी रखी जाए। लेकिन न्यायालय ने ना तो सीबीआई की बात मानकर केस बंद किया और ना ही तलवार दंपत्ति की बात मानकर जांच जारी रखवाई, बल्कि न्यायालय ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को ही आरोप पत्र मानते हुए तलवार दंपत्ति के खिलाफ सुनवाई शुरू की और अंततः उन्हें दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी।
यह सजा सुनाने से पहले जब न्यायालय ने 39 सरकारी गवाहों, सबूत के 247 नमूनों, विशेषज्ञों के सैकड़ों रिपोर्टों, अभियोजनों के हजारों दस्तावेजों और दोनों पक्षों की अनगिनत दलीलों को परखा तो माना कि इस मामले में भले ही कोई सीधा सबूत यह नहीं कहता कि हत्याएं तलवार दंपत्ति ने ही की है, लेकिन कई सबूत यह जरूर कहते हैं कि यह हत्याएं उनके अलावा किसी और ने नहीं की। इसलिए न्यायालय ने यह माना कि इस मामले में कुछ खामियों के बावजूद भी तलवार दंपत्ति को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन सीबीआई अदालत के इस फैसले को पिछले साल अक्टूबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गलत माना और तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सीबीआई ने 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। आरुषि हेमराज हत्याकांड इस वजह से भी एक रहस्य समझा जाता है कि इस मामले में जितने तथ्य तलवार दंपत्ति के निर्दोष होने की ओर इशारा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा तथ्य अन्य आरोपितों कृष्णा, राजकुमार और विजय के निर्दोष होने की भी गवाही देते हैं। इस मामले में कई तथ्य ऐसे भी हैं जो भले ही सीधे तौर पर तलवार दंपत्ति को दोषी नहीं ठहराते, लेकिन उनके ही दोषी होने की तरफ इशारा जरूर करते हैं। मसलन घर की छत पर अमूमन ताला नहीं होता था, लेकिन हत्या वाली रात के बाद जब हेमराज का शव छत पर रखा गया, छत पर ताला लगा मिला। यदि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने की होती तो उसे छत पर ताला लगाने की क्या जरूरत थी। छत पर मिली एक चादर भी ऐसा ही इशारा करती है। यह चादर इस तरह से छत पर डाली गई थी कि पड़ोस की छतों से हेमराज का शव दिखाई न पड़े। किसी बाहरी व्यक्ति के ऐसा करने के कोई भी कारण समझ नहीं आते। कानूनी पहलुओं पर बात करें तो ऊपरी अदालत से तलवार दंपत्ति का बरी होना लगभग तय ही था, क्योंकि अपराध साबित करने का भार अभियोजन पक्ष का होता है और उसे संदेह से परे ऐसा करना होता है। लेकिन इस मामले में तो अभियोजन स्वयं आरोप पत्र तक दाखिल करने को तैयार नहीं था। सीबीआई की जो टीम तलवार दंपत्ति को दोषी मान रही थी, उसने भी इस मामले को बंद करने की ही संस्तुति की थी। सीबीआई ने न्यायालय को बताया था कि भले ही इस मामले में पूरी तरह से संदेह तलवार दंपत्ति पर जाता है, लेकिन उन्हें दोषी साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी न्यायालय ने सीबीआई को आरोप पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे और कमजोर सबूतों के बावजूद तलवार दंपत्ति को दोषी करार दिया था, लिहाजा ऊपरी अदालत से उनका बरी होना प्रत्याशित ही था। लेकिन जिस तरह तलवार दंपत्ति को सजा होने के बाद भी यह पुख्ता तौर से नहीं कहा जा सकता था कि हत्याएं उन्होंने ही की है, ठीक उसी तरह उनके बरी हो जाने के बाद भी यह पुख्ता तौर से नहीं कहा जा सकता कि हत्या उन्होंने नहीं की है। उन्हें सिर्फ सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। इस मामले का कड़वा सच यही है कि आरुषि हेमराज के साथ कभी भी न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि 16 मई 2008 की रात आखिर क्या हुआ था, इस रहस्य के सुलझने की सभी संभावनाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।